यूपी मोदी का आज वाराणसी दौरा, कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन शिलान्यास करेंगे, लोगों को भी संबोधित करेंगे। वाराणसी से प्रधानमंत्री मोदी सहारनपुर के सरसावा एयरपोर्ट का करेंगे वर्चुअल लोकार्पण। एयरफोर्स की हवाई पट्टी ATC का होगा इस्तेमाल, 2020 में शुरू हुआ था निर्माण का काम। पीएम मोदी आज रीवा एयरपोर्ट का वर्चुअल लोकार्पण करेंगे, फरवरी 2023 में शिलान्यास हुआ था, अब उतर सकते हैं हेलीकॉप्टर छोटे विमान। प्रधानमंत्री के दौरे से ठीक पहले वाराणसी में लगाया गया 10 हाथों वाला प्रधानमंत्री मोदी का बैनर, हर हाथ में दिखाई गई है प्रधानमंत्री की जन कल्याणकारी योजनाएं। महाराष्ट्र में महायुति के बीच सीटों के बंटवारे का आज हो सकता है ऐलान, सूत्रों के हवाले से खबर, 28 सीटों पर अभी भी नहीं बनी है सहमति। नागपुर में बोले डिप्टी CM देवेंद्र फडणवीस, भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों की पहली सूची बहुत ही जल्द, विवादास्पद सीटों का निपटारा लगभग पूरा। महाराष्ट्र और झारखंड चुनाव को लेकर के कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक आज, प्रत्याशियों के नाम पर लगेगी मुहर। महाविकास अघाड़ी में सीटों पर नहीं बन पा रही सहमति, मुंबई के होटल में 8 घंटे तक चली है मैराथन बैठक, अखिलेश यादव ने 12 सीटों पर ठोका है दावा। रांची में तेजस्वी यादव और CM सोरेन के बीच घंटों चला सीट शेयरिंग पर मंथन, सूत्रों के हवाले से खबर, 12 से 15 सीटों की मांग पर अड़ी RJD। झारखंड की सीट शेयरिंग पर बोले RJD नेता मनोज झा, 15 से 18 सीट अकेले ही BJP को हारने में सक्षम, तमाम विकल्प अब भी खुले। झारखंड में सीट बंटवारे को लेकर के RJD की निराशा पर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा, किसी से कोई नाराजगी नहीं, सब ठीक चल रहा है। झारखंड के लिए BJP ने 67 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की है, सीता सोरेन को जामताड़ा से टिकट, तो वहीं बाबूलाल मरांडी को धनबाद से चुनावी मैदान में उतारा, सरायकेला से चुनाव लड़ेंगे चंपई सोरेन। BJP नेता चंपई सोरेन का बयान, झारखंड में BJP को सबसे बड़ी जीत मिलेगी, बेटे के टिकट दिए जाने पर कहा कि पार्टी ने विचार करके ही फैसला लिया। झारखंड विधानसभा चुनाव में अर्जुन मुंडा की पत्नी मीरा मुंडा को भारतीय जनता पार्टी ने कोटका से अपना उम्मीदवार बनाया, भारी संख्या में कार्यकर्ता मीरा मुंडा के आवास पर पहुंचे, उन्हें बधाई। जमशेदपुर पूर्वी से BJP ने पूर्णिमा दास साहू को उम्मीदवार बनाया, टिकट मिलने के बाद घर में खुशी का माहौल। झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए BJP ने CP सिंह को टिकट देकर बनाया उम्मीदवार, CP सिंह ने पार्टी को जताया पार्टी का आभार, कहा 7वीं बार चुनाव लड़ने जा रहा हूं, BJP की जीत का किया है दावा। झारखंड के रांची में संविधान सम्मान सम्मेलन में बोले राहुल गांधी, BJP आदिवासियों की पहचान मिटाना चाहती है, चाहे कुछ भी हो हम लोग जाति जनगणना करा के रहेंगे। राहुल गांधी ने रांची रैली में कहा कि आजकल मोदी जी मुस्कुराते नहीं, अब उनका मुस्कुराना भी बंद हो गया, कहा आदिवासी राष्ट्रपति को पार्लियामेंट और राम मंदिर के उद्घाटन में बुलाया तक नहीं। चंपई सोरेन का राहुल गांधी पर पलटवार, कहा कि कांग्रेस आदिवासी विरोधी पार्टी है, कांग्रेस ने आदिवासियों पर गोली चलवाने का काम किया, झारखंड आंदोलन को कांग्रेस ने कुचला था। केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन ने राहुल गांधी के आरोपों पर कहा, हरियाणा में भी राहुल की नेगेटिव कैंपेनिंग को जनता ने किया था खारिज, अब हर जगह के लोग उन्हें खारिज करेंगे। राहुल गांधी के आरोपों पर JDU का पलटवार, कहा कि कांग्रेस ने कभी किसी दलित को राष्ट्रपति उम्मीदवार तक नहीं बनाया, फिर किस नैतिकता के आधार पर बात करते हैं राहुल गांधी। BJP ने जारी की लोकसभा विधानसभा के उपचुनाव के लिए उम्मीदवारों की सूची, लोकसभा की 1 और 8 राज्यों के विधानसभा सीटों के प्रत्याशियों का नाम का किया ऐलान। वायनाड लोकसभा सीट से BJP ने पार्षद नव्या हरिदास को उम्मीदवार बनाया, प्रियंका गांधी से मुलाकात हुई, 13 नवंबर को डाले जाएंगे वोट। प्रियंका गांधी 23 अक्टूबर को वायनाड सीट से करेंगी नामांकन, राहुल गांधी भी रहेंगे मौजूद, नामांकन से ठीक पहले प्रियंका गांधी करेंगी रोड शो। यूपी उपचुनाव को लेकर के CM योगी ने बड़ी बैठक की, 9 विधानसभा सीटों को जीतने की रणनीति बनाई, मंत्रियों पदाधिकारियों को चुनाव प्रबंधन के निर्देश दिए। दिल्ली में मंडल प्रभारियों की बैठक में आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा कि BJP ने दिल्ली के विकास के कार्यों को रोका है, इनका मकसद आम आदमी पार्टी को सिर्फ तोड़ना था।
दिल्ली की झुग्गियों में जरूरी सुविधाओं का अभाव, बीजेपी सांसद विधायक आज प्रदर्शन करेंगे। मनोज तिवारी, रामवीर सिंह बिधूड़ी, बांसुरी स्वराज अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन में शामिल होंगे। जीएसटी की दरों को तर्कसंगत बनाने के लिए मंत्रियों के समूह की आज बैठक है। फूड, फुटवेयर और टेक्सटाइल पर घट सकती है जीएसटी, 5% के टैक्स स्लैब में इसका हो सकता है प्रस्ताव। और छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में आईटीबीपी बीएसएफ के जवानों पर नक्सली हमला, पेट्रोलिंग के लिए निकले जवानों पर आईईडी ब्लास्ट। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने दी है जवानों को श्रद्धांजलि, कहा नक्सलवाद से लड़ने में पूरा देश एकजुट, भारत माता के प्रति जाबाज जवानों के सर्वोच्च बलिदान को हम करते हैं सलाम। राहुल गांधी ने फेसबुक पोस्ट करके कहा कि कायरतापूर्ण नक्सली हमले को आईटीबीपी के हमारे वीर जवानों ने, शहादत का समाचार अत्यंत दुखित है, शहीद जवानों को विनम्र श्रद्धांजलि। पर इंडिगो की तीन और उड़ानों में बम की धमकी, तीनों अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों में बम होने के नकली अफवाह, कल 15 से अधिक विमानों को लेकर मिली थी हॉक्स में खौत। जयपुर एयरपोर्ट पुलिस ने कहा कि दुबई जयपुर फ्लाइट में बम की धमकी निकली अफवाह, दिल्ली एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने जानकारी दी, मामले में दर्ज की गई एफआईआर। जामनगर से हैदराबाद की फ्लाइट में मिली थी बम की खबर, विमान को खाली करा ली गई थी, तलाशी जांच के बाद विमान को किया गया था रवाना। बम की जानकारी मिलने पर लखनऊ किशनगढ़ फ्लाइट की जांच हुई, लगेज की गहनता से जांच की गई, एयरपोर्ट पर मच गई अफरा तफरी। दरभंगा में मुंबई जाने वाली फ्लाइट में मिली थी बम की सूचना, सुरक्षा एजेंसियों ने की जांच, विस्फोटक होने की जानकारी नकली अफवाह। बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद पहली बार बोले जीशान, कहा अक्सर दिलेर को बुजदिल डराए करते हैं, गीदड़ भी धोखे से मार देते हैं शेर को। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड पर अखिल भारतीय विष्णुई महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष देवेंद्र विष्णुई ने कहा कि हमें पता नहीं, मामले में चल रही है पुलिस जांच। काले हिरण मामले को लेकर के अखिल भारतीय बिश्नोई महासभा ने कहा कि बिश्नोई समुदाय चाहता है कि सलमान माफी मांगे, उन्होंने बहुत बड़ी गलती की है लेकिन वो माफी नहीं मांग रहे। सलीम खान के बयान पर भड़के कांकणी क्षेत्र के लोग, कहा सलमान ने किया था शिकार, क्या पुलिस, गवाह, कोर्ट सभी झूठे। बहराई जा रहे जमीयत उलेमाए हिंद के प्रतिनिधिमंडल को लखनऊ में रोका गया, मौलाना महमूद असद मदनी के निर्देश पर दंगा पीड़ितों से मिलने जा रहा था ये प्रतिनिधिमंडल। बहराइच में बुलडोजर चलने की आशंका के चलते पूरे क्षेत्र में सन्नाटा पसरा, लोगों दुकानों से निकाले कीमती सामान, कुछ लोगों ने ताला लगाकर घर को ऐसे ही छोड़ दिया। बहराइच में कुछ जगहों पर बुलडोजर चलने से पहले ही लोग तोड़ने लगे अपना घर, पीडब्ल्यूडी ने 3 दिन के भीतर वैध दस्तावेज मांगे हैं, कुल 23 मकानों पर नोटिस चस्पा किया गया है। बहराइच के लोगों ने कहा अगर तोड़ना ही है तो दी जाए थोड़ी मोहलत, क्योंकि कुछ लोगों का पूरा मकान हो जाएगा इससे खत्म। बहराइच हिंसा मामले पर मुख्य आरोपी अब्दुल हमीद को अवैध निर्माण को लेकर उसके घर भी नोटिस, आरोपी के वकील ने कहा जेल में बंद शख्स अपना दस्तावेज कैसे जमा करेगा, पक्ष रखने का अवसर नहीं दे रहे। प्रदूषण से दिल्ली वालों को राहत नहीं, दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में हवा की गुणवत्ता बेहद खराब, डॉक्टर्स ने दी है लोगों को घरों में रहने की चेतावनी। दिल्ली की हवा को प्रदूषण मुक्त बनाने की कवायद तेज, चिराग दिल्ली इलाके में पीडब्ल्यूडी करा रहा जगह जगह पानी का छिड़काव, दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण नियंत्रण के लिए ग्रैप 1 लागू। यमुना की सफाई के लिए भारी भरकम बजट आवंटित किए जाने के बावजूद ग्राउंड जीरो की तस्वीरें बेहद खतरनाक, सफाई के लिए अभी तक कोई भी प्लान नहीं तैयार, दूषित हवा से बीमारियों का जबरदस्त खतरा। धूल से होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए दिल्ली सरकार की कार्रवाई, 2764 निर्माण साइट्स का निरीक्षण किया गया, करीब 17 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया। यमुना में जहरीली झाग कम होने के दावों पर बोले बीजेपी सांसद योगेंद्र चंदौलिया, कहा 2020 के घोषणा पत्र ने केजरीवाल ने कहा था लगाएंगे यमुना में डुबकी, आए और मेरे साथ लगाएं अब यमुना में डुबकी। दिल्ली में प्रदूषण को लेकर से सियासत तेज है, बीजेपी नेता हरीश खुराना ने कहा कि हरियाणा सरकार को देंगे दोष लेकिन आप पंजाब की पराली का जिक्र नहीं करती।
दिल्ली के वायु प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट की पंजाब हरियाणा सरकार को जमकर फटकार। पंजाब के मंत्री लालचंद ने कहा पंजाब में कम हुई पराली जलाने की घटनाएं। दिल्ली के मंत्री गोपाल राय ने कहा कि पंजाब में घटी पराली जलाने की घटनाएं क्या कर रहे हैं केंद्र और राजस्थान हरियाणा यूपी बीजेपी की सरकारें। हरियाणा में पराली जलाने वाले किसानों पर सरकार हुई सख्त। पराली जलाने वाले किसानों के एमएसपी पर फसल नहीं खरीदेगी सरकार। जुर्माने के साथ एफआईआर भी अब दर्ज की जाएगी। कांग्रेस ने नेता भूपिंदर सिंह हुड्डा ने कहा कि पराली जलाने वाले किसानों के ऊपर हरियाणा सरकार की कार्रवाई गलत है। पूछा छोटे किसान पराली का करें क्या। हरियाणा सरकार का आदेश जिस खेत में जलेगी पराली एमएसपी पर नहीं बिकेगी उसकी फसल। कांग्रेस नेता आदित्य सुरजेवाला ने कहा कि ये खेती बाड़ी खत्म करने का आदेश दिया इन्होंने। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी पर विवादित टिप्पणी का मामला। लखनऊ में कांग्रेस कार्यकर्ता ने किया मंत्री दिनेश प्रताप का विरोध। चौराहे पर मंत्री का पुतला फूंका। गिरिराज सिंह की हिंदू स्वाभिमान यात्रा को लेकर जदयू प्रवक्ता राजीव रंजन ने कहा कि ये उनकी निजी यात्रा है। सनसनी पैदा करने वाले बयानों से राजनेताओं को अभी बचना चाहिए। गिरिराज सिंह की यात्रा पर बोले निर्दलीय सांसद पप्पू यादव। कहा अगर गिरिराज सिंह नफरत पैदा करने की कोशिश करेंगे तो मैं चुप बैठने वाला नहीं। नीतीश ऐसे लोगों पर लगाएं लगाम। बिहार में गिरिराज की यात्रा पर बोले मुस्लिम समुदाय के लोग गिरिराज चमका रहे अपनी राजनीति। कटिहार समेत सीमांचल में हिंदू मुस्लिम मिलजुल कर रहते हैं। तेजस्वी का जेडीयू कार्यकर्ताओं पर शराब बेचने का आरोप। बिहार में मंत्री रत्नेश सदा ने कहा कि गलत आरोप लगा रहे तेजस्वी, देंगे लीगल नोटिस। विवादित बयान देने पर अजमेर दरगाह खादिम समुदाय ने किया अंजुमन सेक्रेटरी सैयद सरवर चिश्ती का विरोध। मौजूदा चेयरमैन से 3 दिन में मांगा है जवाब। कहा कौन खुद करेगी अब कार्यवाही। कोलकाता में आरजीकर मामले में जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल जारी है। सोमवार को ममता बनर्जी के साथ बैठक होगी। जूनियर डॉक्टर्स ने ममता बनर्जी को अपनी 10 सूत्री मांगे बताएं। और करवा चौथ आज है। पति की लंबी उम्र के लिए महिलाएं रखती हैं ये व्रत। पति की दीर्घायु और स्वास्थ्य के लिए आज करेंगी उनकी कामना। त्योहार को लेकर के दिल्ली नोएडा मेरठ से चंडीगढ़ तक दिखी बाजारों में रौनक। दीपावली करवा चौथ को लेकर के लोगों ने जमकर खरीदारी की। महिलाओं ने लगवाई मेहंदी। के पुंछ के त्यौहार को लेकर दिखा उत्साह। करवा चौथ पर महिलाओं ने लगाई है मेहंदी। भोपाल में भी मेहंदी लगवाती दिखी महिलाएं। करवा चौथ को लेकर के वाराणसी में महिलाओं में खासा उत्साह। कहा पूरे साल रहता है करवा चौथ का इंतजार। 16 श्रृंगार के रूप में हाथों में मेहंदी भी लगवाई जाती है। भोपाल में करवा चौथ को लेकर लोगों में जमकर उत्साह। साज श्रृंगार को के साथ लेकर कपड़े मिठाइयां ज्वेलरी की दुकानों में भारी भीड़। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट से विपक्ष की भूमिका निभाने की उम्मीद करना गलत है। फैसला अपने मुताबिक न आए तो लोग आलोचना करते हैं। बैंगलोर पुलिस ने केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी के भाई गोपाल जोशी को महाराष्ट्र के कोल्हापुर से गिरफ्तार किया। जेडीएस नेता लगाया था धोखाधड़ी का आरोप। वहीं केंद्रीय मंत्री ने कहा कि 2 दशक से भाई से नहीं है कोई भी संबंध। दिल्ली के वेलकम इलाके में आपसी रंजिश में 17 राउंड फायरिंग हो गई। एक लड़की को गोली लगी। 2 कारोबारियों के बीच पैसे को लेकर विवाद हुआ था। सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट को लेकर के मुजफ्फरनगर में प्रदर्शन। पुलिस ने की कार्यवाही। आरोपी को किया गया गिरफ्तार।